हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को उसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसके PDF ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने 15 जनवरी के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए गए थे। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और हमारे चैनल पर आपको डेली सुबह 4 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। और ये जो करंट अफेयर है वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपका मैक्सिमम स्टैटिक GK वाला पोर्शन है वो भी कवर किया जा रहा है। तो कल का आपका टेस्ट था कि गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 8 कैटेगरी में जूनियर विश्व खिताब किसने जीता है। तो उनका नाम है कार्तिक सिंह, जिन्होंने हाल ही में गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 8 कैटेगरी में जो जूनियर विश्व खिताब है वो जीता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका सी। और दूसरा टेस्ट था आपका, किस राज्य ने हाल ही में अमा घरे LED योजना की शुरुआत की है। तो इस राज्य का नाम है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा राज्य ने अमा घरे LED योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उड़ीसा के अंदर जितनी भी फैमिलीज रहती हैं उनके घर 4 LED बल्ब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका सी। और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर। सो आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज का सबसे पहला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया। तो जो भारतीय सेना दिवस है ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। अब ये दिन 15 जनवरी को क्यों मनाया गया है, तो 15 जनवरी 1949 में जो हमारे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम है KM करियप्पा, उन्होंने अपना पदभार संभाला था। KM करियप्पा ने, और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है KM करियप्पा। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने 15 जनवरी को 1949 में अपना पदभार संभाला था हमारे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में। अब इस दिन को मनाया तो जाता है, पर इसका उद्देश्य भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस दिन का उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी भारतीय सैनिक हैं उन्हें इस दिन श्रद्धांजलि प्रदान की जाती है, और उन लोगों को इस दिन सम्मानित किया जाता है जिन लोगों ने हमारे भारत के लिए अपना बलिदान दे दिया है। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आपके भारतीय सेना दिवस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। तो उनका नाम है जनरल विपिन रावत, जो कि प्रेजेंट में हमारे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। अब जनवरी के मंथ में अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी मैं आपको एक बार बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक दिन मनाया गया है। और उसके बाद आपको याद रखना 4 जनवरी। तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। और उसके बाद याद रखना है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी याद रखना है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। और उसके बाद 12 जनवरी याद रखना है, तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया। 14 जनवरी याद रखना है, तो 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। अब ये भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना होगा कि भारतीय सेना दिवस में क्या अंतर है और भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस में क्या अंतर है। तो देखिए, जो भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस है ये 14 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, उन्होंने इस दिन अपने पदभार से रिटायरमेंट ली थी। 14 जनवरी 1953 में वो रिटायर हुए थे, इसीलिए 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। और ये भारतीय सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उन्होंने अपना पदभार संभाला था और 14 जनवरी को इन्होंने रिटायरमेंट ली थी 1953 में। तो होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों ही। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में नोट करनी थी। और अब तक जनवरी के मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो भी आपके लिए उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर है,
अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन है ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर कहाँ? तो महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा ये जो सम्मेलन है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये सम्मेलन क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो आधुनिक तरीके से कृषि करने के लिए और फसल उत्पादन के लिए जो सूक्ष्म सिंचाई है उससे रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है सी विद्यासागर राव। और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19, विधानसभा की सीटें 288। और महाराष्ट्र का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है वह पवारी नाच। और महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान वह संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। आज का अगला क्वेश्चन है, सरकारी ई मार्केट प्लस के द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लस के द्वारा शुरू की गई पहल का नाम है वुमिनिया ऑन GEM। GEM की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अब ये पहल क्यों शुरू की गई है? तो जितनी भी हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और जितनी भी हमारी वुमेन्स जो हस्तशिल्प वगैरह का काम करती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म ये खोला गया है जिसकी मदद से वो अपने प्रोडक्ट्स को, जो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन्हें ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। तो होप आपको समझ आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, याद रखना है आपको। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में महिला मुक्केबाज की मुख्य कोच का पदभार किसने संभाला है? तो उनका नाम है मोहम्मद अली कमर, जिन्हें हाल ही में महिला मुक्केबाजी का मुख्य कोच बनाया गया है। और इनसे पहले कौन थे महिला मुक्केबाजी के मुख्य कोच? तो उनका नाम है शिव सिंह, शिव सिंह की जगह ली है मोहम्मद अली कमर ने। मोहम्मद अली कमर के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, जो मोहम्मद अली कमर है इन्होंने मुक्केबाजी में भारत का पहला राष्ट्रीय मंडल खेल स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? तो 2002 में जीता था। और उन्हें और कौन कौन से अवार्ड मिले? तो इन्हें 2002 में ही अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में लैलिन राजेंद्रन का निधन हो गया और आपको बताना है कि वो इन चारों ऑप्शन में से किससे संबंधित थे। तो लैलिन राजेंद्रन, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है ये है, और ये एक फिल्मकार थे ये, और ये बहुत ही फेमस एक डायरेक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि इनका निधन कहाँ पर हुआ है। तो इनका निधन केरल में ही हुआ है, और ये केरल में जो फिल्म विकास निगम है उसके अध्यक्ष भी हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको लैनिन राजेंद्रन के बारे में भी नोट करनी थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICICI बैंक का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है बी श्रीराम और राम बिजापुरकर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों लोगों को हाल ही में ICICI बैंक का स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इन दोनों लोगों के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी होगी। देखिए, जो बी श्रीराम है ये सितंबर 2018 में IDBI बैंक के MD के रूप में रिटायर हुए थे। ये पहले IDBI बैंक के MD थे जो कि हाल ही में सितंबर 2018 में रिटायर हुए हैं। और ये IDBI बैंक के MD बनने से पहले भी SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD भी थे। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको बी श्रीराम के बारे में याद रखनी है। ICICI बैंक, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैंने आपको बताया, पहले भी कई बार बता चुकी कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। IDBI बैंक ICICI बैंक की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ पर है? तो इसका तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और MD और CEO कौन है? तो उनका नाम है संदीप बख्शी। और ICICI बैंक की टैगलाइन भी आपको याद रखनी होगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी टैगलाइन है हम हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महा एग्रीटेक परियोजना की शुरुआत की गई है? तो उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर महा एग्रीटेक परियोजना की शुरुआत की गई है। और इस परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है देवेंद्र फडणवीस, बताया ना मैंने आपको पीछे, तो उन्होंने इस महा एग्रीटेक परियोजना की शुरुआत की गई है। अब ये महा एग्रीटेक परियोजना क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो देखिए इस परियोजना के तहत क्या होगा कि फसलों से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि उनकी बुआई में, उनकी कटाई में और उनके जो जो रोग लग जाते हैं, उनके लिए ये परियोजना शुरू की गई है। और इस परियोजना में क्या होगा कि इन सब प्रॉब्लम से निपटने के लिए ड्रोन की मदद से और उपग्रह की मदद से फसलों पर निगरानी रखी जाएगी, तो इसलिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। और इस परियोजना के लिए जो MRSAC है, यानी कि महाराष्ट्र रिमोट एप्लीकेशन सेंटर और इसरो, इन दो संस्थाओं ने मदद की है इस परियोजना के लिए। महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए था, तो इससे पहले मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में बता ही दिया है, वहां से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसरो के बारे में पता चाहिए क्योंकि इस परियोजना को इसरो ने सपोर्ट किया है। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसरो के जो फाउंडर है उनका नाम है विक्रम साराभाई और स्थापना कब हुई है इसरो की, तो 15 अगस्त 1969 की स्थापना हुई है। चेयरपर्सन कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर के सिवान। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय ग्लोबल एविएशन समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो जो 2 दिवसीय ग्लोबल एविएशन समिट का उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। और अब ये जो समिट है ये 2019 में अगर ऑर्गेनाइज किया ही जा रहा है तो थीम भी तो आपको पता होना चाहिए इसका, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली फॉर द नेक्स्ट 6 बिलियन, ये इसका थीम है। और ये जो समिट है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री का नाम भी तो आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है सुरेश प्रभु। मुंबई कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को बता ही दिया गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है अशिता बासवानी कामती। हाल ही में अशिता बासवानी कामती ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, तो अंडर 21 कैटेगरी में और 71 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ की खिलाड़ी है, समिता कासमी, तो ये कर्नाटक की खिलाड़ी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो गेम्स है ये आपको मैंने कल भी बताया था कि 9 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं। कहाँ पर स्टार्ट हुए हैं, तो पुणे में ऑर्गेनाइज किए गए। पुणे कहाँ पर है, तो पुणे महाराष्ट्र में है। और किस मंत्रालय के द्वारा ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा ये गेम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और ये 2019 में इसका दूसरा संस्करण ऑर्गेनाइज किया गया। पहला संस्करण कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था इनका, तो इन गेम्स का जो पहला संस्करण है वो जनवरी 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनंत नारायण ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और आपको बताना है कि जो अनंत नारायण है ये किस कंपनी के सीईओ थे। तो अनंत नारायण ये मिंत्रा और जबोंग कंपनी के सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इनके सीईओ के पद से जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो मिंत्रा और जबोंग कंपनी है उन्होंने अमर नारायण को अपनी कंपनी का प्रमुख नियुक्त किया है। मिंत्रा और जबोंग दोनों कंपनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो मिंत्रा कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2007 में हुई है। और जो जबोंग कंपनी है इसकी स्थापना अक्टूबर 2011 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है, किसने इंडोर रोइंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम है शकील अहमद। हाल ही में शकील अहमद ने इंडोर रोइंग गेम्स में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि इन्होंने 40 साल से ऊपर की जो श्रेणी थी उसमें 1,00,000 मीटर की दूरी तय करके ये विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये चैंपियनशिप कोलकाता में ऑर्गेनाइज की गई थी। और इन्होंने जो ये 1,00,000 मीटर की जो दूरी है ये कितने टाइम में पूरी की है, तो 10 घंटे में ये दूरी इन्होंने पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है, तो उस राज्य का नाम है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना में सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी किसने दी है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। और ये परियोजना क्यों शुरू की गई, तो इस परियोजना को इसलिए शुरू किया गया ताकि जो गोदावरी नदी है उसके पानी को हाइवर्ट करके तेलंगाना के जितने भी जिले हैं जहाँ पर सिंचाई की प्रॉब्लम है वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी को उपलब्ध करवाना, इसलिए इसे परियोजना को शुरू किया गया। तेलंगाना के बारे में नोट कीजिए, यहाँ पर तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है कल्वकुंतली चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के जो गवर्नर है उनका नाम है ESL नरसिम्हा। और तेलंगाना के अंदर लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की सीटें 7, विधानसभा की सीटें 119। और तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। फोक डांस क्या है, यानी कि लोक नृत्य, वो है परिनी ठंडावम। और नेशनल पार्क क्या है, तो वो है मुरुगवानी नेशनल पार्क।
इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको तेलंगाना के बारे में नोट करनी थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा गया था कि लास्ट में दो टेस्ट दिए जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपका, किसको TCS ने स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसे बनाया, उनका नाम बताना है चार ऑप्शन में से। दूसरा टेस्ट है आपका, येस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि पार्ट टाइम चेयरमैन किसे बनाया गया, उनका नाम भी इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।